नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं टेलीविजन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल होती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ये तीन तरीकों में डिवाइडेड है। प्रोडक्शन प्रोसेस तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट इज़ आवर प्री प्रोडक्शन, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले। ठीक है, सेकेंड इज़ आवर प्रोडक्शन एंड द थर्ड वन इज़ पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं, प्री प्रोडक्शन में बेसिकली जो है वो तैयारी की जाती है। ठीक है, प्री प्रोडक्शन में किस चीज़ की तैयारी की जाती है, जैसे कि आप अगर किसी मूवी को शूट करने वाले हो, किसी भी चीज़ को शूट करने वाले हो, कुछ भी आप बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, आपको उसका मटेरियल चाहिए होता है कि हाँ हम ये मूवी बनाने वाले हैं, उसके लिए हमको स्टोरी चाहिए होता है, कंटेंट चाहिए होता है, तो डैट इज़ नोन एज प्री प्रोडक्शन। ठीक है, हम अपना लोकेशन डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हमको शूट करना है, या किसी भी चीज़ का हमको चाहिए होता है कि ये एक्टर काम करेंगे, इनको इस तरीके से बोलना होगा, डैट इज़ नोन एज आवर प्री प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से पहले की जो तैयारियां जो होती हैं, डैट इज़ नोन एज प्री प्रोडक्शन। समझ में आप सभी लोगों को आ रहा होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं प्री प्रोडक्शन के बाद कौन सा स्टेज आता है, तो डैट इज़ नोन एज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो भी एक्टर एक्ट्रेस काम कर रहे होते हैं मूवी में, उनका मेकअप किया जाता है, सेट जो है उसे प्रिपेयर किया जाता है, इलेक्ट्रिक और लाइटिंग वगैरह देखी जाती है, साउंड किस तरीके का है, वॉइस कैसा आ रहा है, वो सब चीज़ टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है, कैमरा के जो एंगल हैं हम लोग उनको चेक करते हैं कि कैमरा को हम किस तरीके से शूट करेंगे कि बिल्कुल सही तरीके से एकदम शूट अच्छा आए, फिर सीन का हम रिहर्सल करते हैं कि हमें किस तरीके से बोलना है, कैसे हमें चलना है, कैसे हमें एक्सप्रेशन करना है, फिर हम वीडियो को और ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, तो डैट इज़ नोन एज आवर प्रोडक्शन। जैसे कि आप एग्जांपल में ही लेकर के देख लो, आप कोई सा भी वीडियो शूट कर रहे हो, लाइक इंस्टा रील्स बना रहे हो या कुछ भी आप वीडियो बना रहे हो, तो सबसे पहले हम लोकेशन डिसाइड करते हैं, उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा लाइटिंग होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारे हम लोग प्री प्रोडक्शन में और प्रोडक्शन में करते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर पोस्ट प्रोडक्शन की, यानी कि प्रोडक्शन का काम हो जाने के बाद की बात। ठीक है, तो पोस्ट प्रोडक्शन इज़ लाइक हम अपना वीडियो, हम जो है वीडियो को हम अपना प्रोडक्शन में शूट कर चुके हैं। ठीक है, हमने वीडियो को कब शूट किया, प्रोडक्शन में शूट किया। अब पोस्ट प्रोडक्शन में उसी वीडियो को हम एडिट करेंगे, कैसा लाइट लगेगा, कैसा फिल्टर लगेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, विजुअल ऑडियो जो भी इफ़ेक्ट लगना है वो हम लगाएंगे, म्यूज़िक लगाएंगे, फिर उस मूवी को जो है हम मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम रिलीज़ करेंगे। सपोज़ कोई आप अपनी फेवरेट मूवी के बारे में सोचो, ठीक है, मूवी के बारे में आप लोगों ने सोच लिया आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है, उस मूवी को बनने में कितनी ज़्यादा तैयारियां लगी होंगी आप इमेजिन करो। ठीक है, तो वो जो है दैट पार्ट इज़ नोन एज प्री प्रोडक्शन। अब आपकी मूवी में वो जो फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस जो भी जिन्होंने काम किया है, उनका मेकअप लाइटिंग ये सब चीज़ जो भी किया गया है, डैट इज़ नोन एज प्रोडक्शन। एंड जब मूवी जब शूट हो गई है, उस मूवी के लिए लोगों ने प्रमोशन किया है, मूवी को प्रमोट किया है, तो दैट इज़ नोन एज पोस्ट प्रोडक्शन। समझ में आप सभी लोगों के आ गया कि क्या होता है प्रोडक्शन प्रोसेस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि टेलीविज़न क्या होता है। आप लोगों को पता हो भी होगा इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में हम ये लिखेंगे टेलीविज़न के, देखिए कि टेलीविज़न इज़ अ सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग विजुअल इमेजेस एंड साउंड दैट आर रिप्रोड्यूस ऑन स्क्रीन चीफली यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम टू इंटरटेन इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। तीन पर्पस से जो है टीवी बना है, कौन कौन से प्रोसेस बना है, तीन इसका मेन कारण है, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, तो दैट इज़ फर्स्ट इज़ आवर इंटरटेनमेंट, सेकेंड इज़ आवर इन्फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज़ आवर एजुकेशन। तो तीन मेन इसका पर्पस है। ठीक है, तो टेलीविज़न में हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि टेलीविज़न जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो ये फिलो टेलर
फरफोर्थ के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। टेलीविजन जो है एक एंशियंट ग्रीक वर्ड से निकल करके आता है जिसका मतलब होता है टेल का मतलब फार एंड लैटिन वर्ड विजियो का मतलब होता है साइट, तो मतलब फार साइट होता है टेलीविजन, यानी कि दूर बैठ करके हम देखते रहेंगे। दूरदर्शन फर्स्ट चैनल आया था, आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फादर ऑफ कैमरा कौन है। तो देखिए, फादर ऑफ कैमरा जो है वो लुइस प्रिंस एंड जोहान जान है, क्योंकि आप लोग याद रखेंगे, है ना। अब बात आती है हमारी रोल ऑफ टीवी की। तो टीवी इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन एंड मीडिया प्लेज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ। इन टुडेज मॉडर्न सोसाइटी मीडिया हैज़ बिकम अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट्स ड्यूटी इज़ टू इन्फॉर्म एजुकेट एंड इंटरटेन, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। टीवी लाइक अ ब्रिज बिटवीन गवर्निंग बॉडीज एंड जनरल पब्लिक, यानी कि जो टीवी में हम लोग देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो हमें असली चीज़ पता लगती है। ठीक है, जैसे कि कहीं पे भी भूकंप आता है तो हम लोग न्यूज़ चैनल में देखेंगे कि वो लोग तुरंत दिखाने लगते हैं, तुरंत बताने लगते हैं कि ऐसा होने वाला है। अब हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ लाइटिंग में डिस्कस कर ही लेते हैं इस वीडियो को, थोड़ा सा वीडियो वास्ट हो। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइटिंग होती है कि लाइटिंग इज़ पावरफुल व्हेन यूज्ड वेल, इट हैज़ एबिलिटी टू ब्रिंग अ वीडियो टू लाइफ एंड एक्सेंचुएट इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द डिटेल्स, यानी कि अगर हम क्या हम अच्छी फोटो खींचने के लिए अंधेरे में फोटो लेंगे तो क्या हम एकदम ऋतिक रोशन बन जाएंगे? नहीं, अगर हमको अच्छे तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा फ़ोटो वीडियो आए तो उसके लिए हम लोगों को अच्छी लाइटिंग में फ़ोटो और वीडियो को क्लिक करना होगा। इट हैज़ अ पावर टू गाइड व्यूवर्स अटेंशन टू व्हाट दे शुड बी फोकसिंग ऑन एंड इवन द ट्रिगर इमोशन दे शुड बी फीलिंग्स। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।